सोशल मीडिया का नया ट्रेंड आ गया है कि किसी एक व्यक्ति ने गलत बोला तो सभी लोग गलत बोलने लगेंगे। बॉलीवुड ने कुछ नया ट्राई किया है लेकिन उसको बायकॉट कर दिया गया है। नए एक्टर के साथ नई मूवी, बोले तो रसलान। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी का रिव्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 20 साल पहले, जब कुछ टेररिस्ट लोग छोटे बच्चे के स्कूल पर बॉम्ब गिराने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अचानक से सेंट्रल आर्म फोर्स वहां पे इंटर हो जाती है और उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है वो लोग टेररिस्ट नहीं है। आखिर वो लोग है कौन, जिसको जानने के लिए आपको इस मूवी को जाकर थिएटर में देखना होगा। मेकर्स ने जिस हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को प्रीबिल्ड किया है, जिसकी वजह से इस मूवी की स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी ऑडियंस को। स्टार्टिंग से जब इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है तब लॉजिकली ऑडियंस आराम से इस मूवी की स्टोरी को प्रीबिल्ड कर लेगी, बोले तो गैस कर लेगी। तो मैं क्या, ऑडियंस का भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा इस मूवी से। सबसे बड़ा इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट, अगर बात करें इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट की, तो इस मूवी को फास्ट बेट एक्शन कॉम्बैट पे रखा है, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बट आयुष शर्मा ने अपने लेवल से ऊपर तक का काम किया है। लेकिन इस मूवी की खास बात यह लगी मुझको कि ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड की मूवीज में यार डिटेलिंग बहुत कम रहती है, लेकिन इस मूवी में भाई डिटेलिंग में बहुत हद तक काम किया है, जो कि मुझको बहुत अच्छा लगा। अगर बात करें इस मूवी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के बाद इस मूवी को मैं कितनी रेटिंग दूंगा, तो गुरुलोक में इस मूवी को देता हूँ 5 में से 3 स्टार की रेटिंग। एक बार इस मूवी को जाकर आप देख सकते हो आराम से। और इसी टाइप के रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रिव्यू वाली वीडियो के साथ। गुड बाय भाई लोग, खत्म होगी वीडियो, बाय बाय। अरे बाय बाबा यार, बाय।